दिखाते हैं, वो पूरी इकोनॉमी कुछ आंकड़े बताते हैं और उसके जरिए आपको बताते हैं कि आखिर स्पेस इकोनॉमी का नंबर गेम क्या है। कुल स्पेस इकोनॉमी 38 लाख करोड़ रुपए की है, 38 लाख करोड़। भारत की स्पेस इकोनॉमी कितनी है अब देखिए, 78,988 करोड़ रुपए उसमें भारत का हिस्सा होता है। भारत का हिस्सा मात्र 2% होता है, अगर परसेंटेज की बात करें तो 2% हिस्सा आ जाता है। 2025 तक यह टारगेट रखा गया है कि इस 2% को 9% पर ले जाएंगे, बढ़ा दिया जाएगा 7% और ज्यादा, और तब जब इकोनॉमी बढ़ेगी उसमें हिस्सा बढ़ेगा तो और बड़े बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकेंगे। अखिलेश शुक्रिया विवेक इस जानकारी के लिए आपका। देखिए दरअसल ये जो मिशन है इसका इंतजार कई लिहाज से, एक तो आपने इसकी इकोनॉमी को समझने की कोशिश की विवेक, जो आपको जानकारी दे रहे थे। कई मशहूर वैज्ञानिक हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और मैं अब आपको जरा गौहर रजा साहब के पास ले जाना चाहूंगा, मशहूर स्पेस साइंटिस्ट हैं आप। गौहर रजा साहब, आपके मुताबिक दो चार बड़ी उपलब्धियां क्या हो सकती है, क्या बड़ा हासिल आपको नजर आता है इसकी सफलता से? पहली बात तो ये है कि लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराना अपने अंदर एक बड़ी सफलता होगी और नई चीज़ होगी हमारे देश के लिए, हम चौथे देश बन जाएंगे दुनिया के। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि वहाँ साउथ पोल के करीब जो वातावरण है उसकी जानकारी हमको हासिल हो सके। जो अभी तक मिशन गए हैं उनमें से ज़्यादातर मिशन चंद्रमा के इक्वेटर के करीब रहे हैं, ये हम साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं। और उसका महत्व ये है कि साउथ पोल का एक हिस्सा हमेशा छाया में रहता है, यानी हमारी धरती की तरह छाया नहीं होती है चांद के ऊपर, वहाँ या बिल्कुल अंधेरा है और या बिल्कुल रोशनी है जी। तो अगर वहाँ हमको कुछ खनिज पदार्थ मिल जाते हैं, सिस्मिक एक्टिविटी क्या हो रही है उसकी जानकारी मिल जाती है, उसके साथ अगर कहीं बर्फ मिल जाती है जी, तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी पूरी मानवता के लिए जी। ये इस मिशन का बहुत 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 बड़ी बात आप बता रहे हैं गौहर रजा साहब। दोबारा मैं आपके पास लौटू, उससे पहले जरा चंद्रयान इन्फो सेंटर चलते हैं, हमारी सहयोगी सोनल हमारे साथ जुड़ गई है। सोनल, आपके पास क्या और जानकारी है? बिल्कुल अखिलेश, मैं इन्फो सेंटर पर मौजूद हूँ और अब आपको ये बताऊंगी और दर्शकों को ये बताऊंगी कि आखिर 40 दिन में चांद का सफर कैसा रहेगा, क्या कुछ होगा, सब कुछ आप मेरे पीछे ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं। धरती से चांद 3.84 लाख किलोमीटर दूर है, 40 दिन में चांद का यह सफर रॉकेट जो है पृथ्वी के बाहरी ऑर्बिट तक उसको ले जाएगा। ये बता रहे हैं आपको कि 40 दिन में चांद का सफर कैसा रहेगा। रॉकेट का सफर 36,000 किलोमीटर तक रहेगा और दूरी करने में कम से कम 16 मिनट उसको लगेंगे। 40 दिन में चांद का ये सफर, बाहरी ऑर्बिट से बाद का सफर और प्रोपल्शन मॉड्यूल से इस पूरी चीजों को ऑपरेट किया जाएगा। चांद की ऑर्बिट में पहुंचकर कई स्टेज में ऑर्बिट जो है वो घटाएगा। 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में पहुंचने पर प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो जाएगा। ये 40 दिन का चांद का सफर हम दर्शकों को बता रहे कि क्या पूरा होगा। अंत में लैंडर चांद पर उतर जाएगा और फिर क्या कुछ होगा वो तस्वीरें आप तक पहुंचेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।